हेलो, आइए आज हम बनाते हैं पेठे की सब्जी। पेठा यानी कद्दू, कुमड़ा, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। इसे हमने छील लिया है और इसे इतने बड़े साइज में कट कर लिया है। हमने यहाँ पर हरा कुमड़ा लिया है क्योंकि कच्चा कुमड़ा स्वाद में अच्छा होता है सब्जी के लिए। इसके छिलकों को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और इसके बाद ही इसे हम मिक्सी में बारीक पीस भी लेंगे। यहाँ हमने हरी मिर्ची ली हुई है, साथ ही हमने अदरक को पीस कर लिया है। तो चलिए इन्हें बघारने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम गरम तेल में मेथी के दाने छोड़ देंगे। इसे अच्छे से भून लेना है, नहीं तो ये कड़वे लगते हैं। उसके बाद हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे और जीरे के साथ ही हम इसमें अजवाइन मिलाएंगे। ये सब हम एक छोटी चम्मच से लेना है, साथ ही कलौंजी मिला देंगे। और इन सारी चीज़ों के बाद इसमें हम आधा चम्मच हींग डालेंगे और इन सबको भून लेने के बाद हम इनमें कुमड़ा को छोड़ देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। सब्जी के लिए हमें कच्चा कुमड़ा ही लेना चाहिए क्योंकि इसका स्वाद अच्छा आता है। अगर कुमड़ा पका हो तो वो हल्की सी मीठी लगती है। अब हम इसमें हल्दी मिला लेंगे और इसके बाद इसमें हम धनिया पाउडर, साथ ही साथ इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्च के साथ ही हम इसमें अदरक भी मिला देंगे। हमें अच्छे से चम्मच चला लेना है और इसके बाद हम इसमें नमक छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं आपस में। इसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि हमारा कद्दू अच्छे से पक जाए। साथ ही हम इसके छिलकों को मिक्सी के जार में लेकर एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे कद्दू के कुमड़े के छिलके पीस चुके हैं। अब हम कुमड़े में लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा आमचूर पाउडर हम मिलाएंगे। अब हम इसमें पिसे हुए छिलके डाल देंगे जो हमने कुमड़े के हरे वाले निकाले थे, उसे बारीक मिक्सी में पीस लिया है। इसे मिलाकर अच्छे से भून लेना है और बस इसका मॉइस्चर खत्म हो और हमारी सब्जी तैयार है। जी, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं।